ये तालाब तो अच्छा बना है लेकिन ये सूखा हुआ है। एक्चुअली इसमें कम से कम ग्राम पंचायत को इसमें पानी डलवा देना चाहिए। सामने देख सकते हैं मवेशी हैं जो यहाँ घास वगैरह चर रहे हैं, गाय बकरियाँ आती हैं, तो इसको एक्चुअली देखा जाए तो यूटिलाइज किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत, अगर ये प्राइवेट है तो ग्राम पंचायत को मदद करनी चाहिए, रेंट पे ले लेना चाहिए इसको और गहरा करवा के यहाँ बढ़िया पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। आज के टाइम पे तो नहर भी आती है, ये बाजू में ही नाला भी है, काफ़ी पानी स्टोर होता है, तो बारिश के टाइम में तो इसको ढंग से भरा जा सकता है। और अगर प्राइवेट है तो वो लोग इसकी ज़मीन की मिट्टी को बेच के भी कुछ पैसा कमा लेंगे, सरकारी है तो ग्राम पंचायत के अकाउंट में बढ़िया पैसे आ जाएंगे। तो हर हाल में देखा जाए तो इसको एक बढ़िया खूबसूरत तालाब बनवाना चाहिए जिसमें कि गाय बकरियां सब आ जाएं गर्मी के दिनों में या जब भी उनको ज़रूरत हो और यहाँ पर अपनी प्यास बुझा सकें। इतना तो हम अपने आसपास रहने वाले पशु पक्षियों के लिए कर ही सकते हैं। और आज त्योथर में मेरा लास्ट डे है, बहुत बुरा लग रहा है, हर बार की तरह बहुत बुरा लग रहा है। पूरा टाइम चला गया, पूरी छुट्टियां चली गई, समझ में ही नहीं आया, लगता है कि आया ही नहीं था। सब आप सब त्योथर के लोगों को धन्यवाद। काफी एक्चुअली देखा जाए तो बहुत अच्छा टाइम रहा मेरा, त्योथर में भी काफ़ी टाइम मैंने बिताया, अच्छा टाइम बीता। इसके अलावा जबलपुर, भोपाल, नागपुर देखा जाए तो मैंने काफ़ी ट्रैवल किया और बनारस गया। बनारस में एक अलग ही अनुभव जाके मिला, वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो बनारस में जब मैं गया उस समय भी काफ़ी अच्छा टाइम था, काफ़ी अच्छा बनारस देखने को मिला। सेफ्टी के मामले में देखा जाए तो मैंने बनारस को बहुत सेफ देखा। जिस दिन मैं बनारस पहुंचा नाइट में, तो योगी आदित्यनाथ जी बनारस में ही थे, उनके साथ में अमित शाह जी भी बनारस में थे, और जिस रास्ते से हम जा रहे थे, हमारी कार जा रही थी, उसकी बाजू से ही वो गुजर रहे थे। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न नहीं था। जिस दिन हमने बनारस छोड़ा, उसके नेक्स्ट डे मोदी जी आने वाले थे, नामांकन के लिए रैली वगैरह निकलने वाली थी। हम लोग 12 एक बजे रात तक घूमते रहे बनारस की गलियों में, रेलवे स्टेशन के सामने, तो ऐसा कुछ नहीं था, तो कुछ भी वहाँ ऐसा नहीं दिखा जो शांतिपूर्ण ना दिख रहा हो। तो ये बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है एक सरकार के लिए कि इस तरह का वातावरण बना के रखे, एकदम सेफ है, सिक्योर। जबकि VVIP ये सब वहाँ पे आ रहे हैं, और देखा जाए तो ये ऐसे लोग हैं जिनके पीछे हमारे देश के दुश्मन हमेशा लगे ही रहते हैं। क्योंकि गांव में हूँ तो ट्रैक्टर वगैरह की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कांच बंद कर लिया, क्योंकि वॉइस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मैं जो कह रहा हूँ वो लोगों के समझ में आना चाहिए। तो बनारस में मैंने जो सेफ्टी देखी, डेवलपमेंट तो डेफिनेटली बनारस में हो रहा है, पर एक हिसाब से ही बनारस का डेवलपमेंट हो सकता है, और इतना होना भी चाहिए, इतना ही होना चाहिए। क्योंकि बनारस की उन गलियों में जब हम जाते हैं भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने, तो वो गलियां जो है वही खूबसूरती बढ़ाती हैं, गलियों में मिलने वाले लोग, हर घर में दुकान, हर घर में रोजगार, वो एक अलग ही परिचय देता है। और ऐसा नहीं है कि उन गलियों में सिर्फ बनारस के लोगों की दुकानें हैं, मैंने ये देखा कि देश दुनिया से लोग आते हैं बनारस में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने। तो बनारस की सकरी गलियों में आपको साउथ इंडियन की प्रॉपर शॉप मिल जाएगी, धर्मशाला मिल जाएगा, फ्री खाने पीने की व्यवस्था मिल जाएगी। मतलब जिसको हिंदी नहीं आती, तमिल आती है, तेलुगु आती है, कन्नड़ा आती है, मलयालम आती है, जो भी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश आती है, आपको बनारस की इन सकरी गलियों में आपके हिसाब से, आपके धर्म, आपके मजहब और आपके देश लैंग्वेज के हिसाब से फूड, जो आपका खाना है, जो आप खाते हो, कंफर्टेबली खा सकते हो, उस तरह की दुकानें मिल जाएंगी, जो वाकई में इन गलियों को बहुत खास बनाती है। और अगर इन गलियों से होकर ना गुजरा जाए तो मुझे लगता है कि विश्वनाथ जी का दर्शन अधूरा है। तो ये हुई बनारस की बात। फिर मुझे बनारस में एक मुसलमान भाई भी मिले,
जो पान की दुकान में मिले जहाँ हम रुके हुए थे उसके नीचे ही पान की दुकान थी। और बनारस से निकलने से पहले हमने डिसाइड किया कि हम लोग बनारसी पान खा के निकलते हैं। तो बनारसी पान खा के हम लोग निकले तो पान की दुकान में ऐसे ही मैं पूछने लगा, मेरी आदत है सवाल पूछने की, मेरी आदत है। और ये आदत ऐसा नहीं है कि मैं जर्नलिज्म में आया तब से हुई, सवाल पूछने की आदत मेरी शुरू से रही है और सबसे ज़्यादा सवाल मैं खुद से ही पूछता। तो मेरे मन में कुछ सवाल थे तो मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया, मेरा मोबाइल डेड हो चुका था उस समय। तो जो मुझे मोटा मोटा पता चला, तो एक तो जो डेवलपमेंट है बनारस के लोग जो कहते हैं कि डेवलपमेंट बनारस में जो हुआ है मोदी के कार्यकाल में वो मतलब नोटिसेबल है, वो नोटिसेबल है, लोग ये चीज़ जानते हैं कि डेवलपमेंट दबा के हुआ है। टूरिज्म में जो इजाफा हुआ है, टूरिज्म में जो इजाफा हुआ है एक नाव वाले से लेकर चिता जलाने वाले तक को फ़ायदा हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो पोटेंशियल था बनारस का वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जा रहा है उसको पहचानते हुए, और जो चीज़ें हो रही हैं वो भविष्य को देखते हुए हो रही हैं। बहुत से वहाँ पे अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार कर रही है। पहले जब हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे तो हमारे मध्य प्रदेश के कोई राजा हुए, रीवा के राजा हुए, बिहार के राजा हुए, ऐसे करके कहीं के भी राजा होते थे बनारस में वो एक आश्रम बनवाते थे गंगा नदी के किनारे। तो जब हम लोग बोट से यात्रा कर रहे थे उस वक्त ये चीज़ चल रही थी कि ये इन्होंने बनवाया था, ये इस राजा ने बनवाया था, जो हरिश्चंद्र घाट है वो दिखाया गया, हरिश्चंद्र की कहानी भी वहाँ बताई गई। तो एक तरह से देखा जाए तो जब आप सुनोगे तो 300 रुपये बोट का बताएंगे, शुरू में लगता है यार 300 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, और ख़ासकर बनारस जाने वाले जो ज़्यादातर लोग हैं वो यहीं आसपास के ही हैं और सामान्य परिवार, गरीब परिवार से होते हैं, उनके लिए 300 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं एक्चुअली। पर जब हमने सफ़र किया उसमें हम नाव में गए, हम अच्छे से नहाए, इंजॉय किए, फिर बाहर निकले, नाव वाले जो हमको नाविक मिले थे केवट जी वो इतने बढ़िया थे कि आधा आभास तो ऐसे ही हो गया कि हमें काशी विश्वनाथ के दर्शन हो गए, क्योंकि व्यवहार उनका इतना अच्छा था कि लग रहा था हम भगवान से ही मिल रहे हैं। उन्होंने पूरी जानकारी दी घाटों की, फिर लास्ट में मणिकर्णिका घाट ले गए और उन्होंने ये दिखाया कि जीवन का सत्य ये है कि हमारे हमारे देश में क्या, हमारे जीवन में जो भगवान गीता में श्री कृष्ण जी को जब वो अपने रियल अवतार में आते हैं तो दिखाते हैं कि एक तरफ से लोग निकल रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, एक तरफ चिताएँ अंदर जा रही हैं, लोग मर के जा रहे हैं। और वही सत्य बनारस में जाके समझ में आता है प्रैक्टिकली। अगर हम फिजिकली ये चीज़ें नहीं देखते हैं, सिर्फ कैमरे में देखते हैं, तो वो आभास कभी हो ही नहीं सकता। वो देखने को बनारस में मिला। तो बनारस का सफ़र एक्चुअली देखा जाए तो इस बार मेरे लिए बहुत खास रहा, और नाव की सवारी जो हमने की थी 300 रुपये के टिकट में वो वर्थ रही, बहुत बढ़िया रही। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप बनारस जाएँ तो ये काम तो करें कि नाव की सवारी ज़रूर करें। कौन सा घाट कहाँ है, किस लिए फेमस है, किसने किया, तभी आपको एक्चुअली में देखा जाए तो अच्छे कामों के परिणामों की, अच्छे कामों के को करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपको समझ में आएगा कि आप आगे तक हीरो कैसे बने रह सकते हैं। तो जब आप देखते हैं कि ये जो हीरोज थे उन्होंने रियल में क्या किया, तो आप भी उसी की तरफ प्रेरित होंगे और वही चीज़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति देखा जाए तो रियल हीरो ही बनना चाहता है। तो यहाँ सब जाने के बाद में अपॉर्चुनिटी समझ में आती है कि ये है रियल हीरोइज्म। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। त्योंथर मेरे लिए बहुत खास है, बहुत खास क्या मतलब क्या ही कहें, मैं त्योंथर को अपने से अलग कर नहीं पाता, भी नहीं देना चाहिए। जननी जन्मभूमि मात्र जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, वो सच है, एकदम सच बात है। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है।